हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऊजेनेसिस या ओवम फॉर्मेशन। बच्चों, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने समझा था स्पर्मेटोजेनेसिस, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऊजेनेसिस। तो सबसे पहले मैं ऊजेनेसिस को स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ कंपेयर करके बताऊँगी और उसके बाद ऊजेनेसिस के डिटेल्ड प्रोसेस को हम लोग देखेंगे। तो देखो बच्चों, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये मेल्स की टेस्टिस में होता है, जबकि ऊजेनेसिस किस में होता है? फीमेल्स की ओवरी में। इसके साथ साथ जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इसमें वन स्पर्मेटोगोनियम यानी कि वन मेल जर्म सेल से चार स्पर्म बनते हैं, जबकि इन केस ऑफ ऊजेनेसिस वन ऊगोनियम यानी कि वन फीमेल जर्म सेल से केवल एक ही एग फॉर्म होता है, यानी कि यहाँ पे चार स्पर्म फॉर्मिंग होंगे एक स्पर्मेटोगोनिया से और यहाँ पे वन ओगोनियम से केवल एक ही एग सेल फॉर्म होगा। इसके साथ साथ जो ये स्पर्मेटोजेनेसिस है वो मेल में एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ही स्टार्ट होता है और कॉन्टिन्यूस थॉट आउट द लाइफ चलता रहता है, जबकि जो ऊजेनेसिस है ये फीमेल्स में बर्थ के पहले यानी कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ही स्टार्ट हो जाता है और 45 से 50 की एज तक चलता है, उसके बाद स्टॉप हो जाता है। ऊजेनेसिस या ओवम फॉर्मेशन जो है बच्चों वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ही स्टार्ट हो जाता है। इसमें जो फीटल ओवरी होती है, फीटल ओवरी के अंदर जो प्राइमोर्डियम जर्म सेल्स हैं इनमें रिपीटेड माइटोसिस डिवीजन से ढेर सारे लगभग 2 मिलियन ओगोनिया फॉर्म होते हैं। ये ओगोनिया बच्चों अब फिर से माइटोसिस डिवीजन करके ढेर सारे ओगोनिया बनाते हैं, जिसमें से कुछ जो है डीजेनरेट हो जाते हैं और कुछ इनलार्ज करके फॉर्म करते हैं प्राइमरी ओसाइट। अब ये प्राइमरी ओसाइट बच्चों बनने के बाद क्या करता है, ये अब माइटोसिस करता है, मियोसिस स्टार्ट करता है और मियोसिस में बच्चों ये प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज में जा कर के अरेस्ट हो जाता है। सो बच्चों, बर्थ के ठीक पहले पहले तक सारे के सारे ओगोनिया जो हैं वो प्राइमरी ओसाइट फॉर्म कर लेंगे और ये प्राइमरी ओसाइट मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज में जा कर के अरेस्टेड हो जाएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों कि जो ये प्राइमरी ओसाइट है इसके चारों तरफ ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर बन जाती है। तो बच्चों, प्राइमरी ऊसाइट अलॉन्ग विथ लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल को हम लोग कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। आफ्टर बर्थ बच्चों जो फीमेल की ओवरी होती है वो कुछ इस तरह की दिखाई देती है, जिसमें कि केवल और केवल प्राइमरी फॉलिकल्स ही प्रेजेंट होते हैं। इन प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर बच्चों प्राइमरी ऊसाइट होता है जो कि प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज पे अरेस्टेड रहता है और इसके आगे का जो डेवलपमेंट है तब तक नहीं होगा जब तक कि प्यूबर्टी नहीं आ जाती। बच्चों, जो ये प्राइमरी फॉलिकल्स हैं बर्थ के बाद ये 2 मिलियंस होते हैं, पर प्यूबर्टी आते आते बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स डीजेनरेट हो जाते हैं। केवल और केवल 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल ही एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी बचे रह पाते हैं। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जो ये प्राइमरी फॉलिकल्स हैं ओवरी के अंदर ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ये चेंज हो जाते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स में। जो ये प्राइमरी फॉलिकल्स हैं इनके बाहर जो ये ग्रैनुलोसा सेल है प्राइमरी फॉलिकल्स में, इन ग्रैनुलोसा सेल मल्टी लेयर हो जाती है और साथ में एक और लेयर अपीयर हो जाती है जिसको कि हम लोग कहते हैं थीका। तो बच्चों, इस फॉलिकल को हम लोग नाम देते हैं सेकेंडरी फॉलिकल और ये सेकेंडरी फॉलिकल अब डेवलप करता है टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल में बच्चों क्या होता है कि एक तो इसमें एक कैविटी अपीयर हो जाती है जिसको कि कहते हैं एंट्रम और साथ में जो ये थीका लेयर है ये 2 लेयर्स में स्प्लिट हो जाती है, इनर थीका इंटरना और आउटर वाले को कहते हैं थीका एक्सटर्ना। तो बच्चों, ये हो गया फॉलिकल का डेवलपमेंट। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो ये प्राइमरी ऊसाइट है फॉलिकल्स के अंदर इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो बच्चों, जो ये प्राइमरी ऊसाइट है, ये प्राइमरी फॉलिकल में जो प्राइमरी ऊसाइट है वो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्टेड होता है, जब ये सेकेंडरी फॉलिकल बनाता है उस टाइम पे ये मियोसिस फर्स्ट को स्टार्ट कर देता है।
और टर्शरी फॉलिकल में यहाँ पे ये मियोसिस फर्स्ट जो है कंप्लीट हो जाती है, और कंप्लीट करने से प्राइमरी ओसाइट जो है वो दो अनइक्वल सेल्स में डिवाइड होता है। छोटी वाली सेल को कहते हैं हम लोग फर्स्ट पोलर बॉडी, और बड़ी वाली सेल को कहते हैं सेकेंडरी ओसाइट। तो बच्चों जो ये दोनों जो सेल्स हैं, इन दोनों में जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो सेम होता है, पर जो साइटोप्लाज्म है, न्यूट्रिटिव साइटोप्लाज्म, वो सेकेंडरी ओसाइट में ज़्यादा होता है। सेकेंडरी ओसाइट बच्चों बनने के बाद अब ये भी मियोसिस सेकेंड को स्टार्ट कर देती है, पर ये भी अरेस्ट हो जाती है एट द स्टेज ऑफ मेटाफेज सेकेंड। इसके बाद जो ये टर्शरी फॉलिकल है ये डेवलप करता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब हम लोग इस ग्राफियन फॉलिकल के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफियन फॉलिकल सबसे बाहर की तरफ से कवर्ड होता है थीका एक्सटर्ना, उसके ठीक अंदर होता है थीका इंटरना के लिए, उसके भी अंदर ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की लेयर है जो कि ग्रैनुलोसा सेल्स की बनी होती है, इसके मिडिल में होता है बच्चों सेकेंडरी ओसाइट जो कि मेटाफेज सेकेंड में अरेस्टेड रहता है। इस सेकेंडरी ओसाइट की चारों तरफ प्रेजेंट होता है जोना पेलुसिडा के लिए, और इसमें एक ये कैविटी जो है इसको कहते हैं हम लोग एंट्रम, भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो बच्चों जो ग्राफियन फॉलिकल होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH ये रप्चर हो जाता है, और रप्चर करके इसमें से जो ये ओवम है जो कि सेकेंडरी ओसाइट के फॉर्म में है ये रिलीज हो जाता है, और ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करके फॉर्म करता है कॉर्पस लूटियम। ये जो कॉर्पस लूटियम है बच्चों वो एक ग्लैंड की तरह काम करता है और दो हार्मोन सिक्रीट करता है, प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन, और लास्ट में यही कॉर्पस लूटियम कॉर्पस एल्ब्यूकेंस या वाइट बॉडी फॉर्म करता है। बच्चों जो यहाँ पर रिलीज हुई है ओवम जो कि सेकेंडरी ओसाइट के फॉर्म में है ये अब फैलोपियन ट्यूब से होकर के जाएगा, और जैसे ही स्पर्म के कांटेक्ट में आएगा इसके अंदर जो सेकेंडरी ओसाइट प्रेजेंट है जो कि मेटाफेज सेकेंड में अरेस्टेड है वो मियोसिस सेकेंड को कंप्लीट कर लेगा और दो तरह की सेल्स फॉर्म करेगा, एक सेकेंड पोलर बॉडी और एक फॉर्म करेगा ओवम। इसके साथ साथ जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो भी डिवाइड कर जाता है और दो पोलर बॉडी और बनाता है, मतलब कि एक प्राइमरी फॉलिकल से बच्चों तीन पोलर बॉडी और एक ओवम फॉर्म होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ओजेनेसिस। इफ दिस वीडियो लेक्चर इज हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।